अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे पकौड़ों वाली कढ़ी। चलें स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें दही चाहिए होगा। दही मैंने आज खुद अपना होममेड बनाया। मैंने कहा आपको शो कर दूं। ये भी ये देखें, ये मैंने 24 घंटे हो गए इसे बनाए हुए। ये देखें कितनी मलाई है, फुल फैट दूध से मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा दही जमा है। ये देखें, मैं अब इसका मेजरमेंट करूंगी जितना मुझे दही चाहिए होगा, फिर आपसे मिलती हूँ। दही मैंने मेजर कर ली है, 500 ग्राम दही। बिस्मिल्लाह, एक मैंने पूरा लहसुन लिया है, जो मैंने उसमें से तीन तीन जवे निकाल लिए थे, और 1 इंच का टुकड़ा लहसुन अदरक का है, ये डालेंगे हम। 5 टेबल स्पून भर के बेसन। बिस्मिल्लाह, 5 कप पानी के आधा मैं डालूंगी, ब्लेंड करके फिर बकाया को मैं बाद में डालूंगी। एक प्याज है जो मैंने आधा रखा है तड़के के लिए, आधा इसमें डाल रही हूँ। लस्सी हमारी तैयार है, अब हम इसे छानेंगे हंडिया में जिसमें पकाना हमने। बिस्मिल्लाह, पानी डाल के दोबारा ग्राइंड कर लूंगी। ये देखें, हमें स्मूथ चाहिए टेक्सचर सारा, इसलिए मैंने छाना। जो मैंने प्याज छाना था उसे दोबारा मैंने ग्राइंड किया। मैं प्याज पहले डालना भूल गई थी। आपने प्याज जब लहसुन अदरक डाला उस वक्त आपने साथ ही डालना है। नाजरीन, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, आपने इसे हाई फ्लेम पर उस वक्त तक पकाना जब तक के उबाल आ जाए, और कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहना। अगर आपने चमचा ना हिलाया तो कढ़ी फटने का खतरा होता है। मैंने 500 ग्राम दही में पूरे 7 कप मेजरिंग कप जो है वो पानी के डाले हैं। कढ़ी नाजरीन बहुत मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना विद पराठे। या आज मैं पकौड़ों वाली कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन मैंने पकौड़े आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। जब भी आप कढ़ी बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें खीर वगैरह बनाएं, चमचा ऐसे फ्लैट इस्तेमाल करें ताकि वो आप अच्छी तरीके से महसूस कर सकें कि चीज़ पैंदे के साथ नहीं लग रही। नाज़रीन देखें, हमारी कढ़ी उबल गई है। अब हमने इस स्टेज पे फ्लेम लो कर देनी है और ढक्कन ढक के आधे घंटे तक इंतज़ार करना। आधे घंटे बाद मैं आपको बाकी का प्रोसीजर बताऊंगी। नाजरीन, हमारी कढ़ी को पकते हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून दरदरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, अब इसको डालकर मिक्स करें। इस स्टेज पे आप देखें, अगर आपको ज़्यादा हल्दी चाहिए, ज़्यादा पीली कढ़ी चाहिए, तो आप थोड़े से और हल्दी डाल दें, वरना मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। 4 हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, इसे मैं बाद में निकाल दूंगी, सिर्फ फ्लेवर के लिए। मैंने 4 हरी मिर्चें डालकर आधे घंटे के लिए अब मैं कवर करके रख दूंगी। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नसरीन, दोबारा आधा घंटा हो गया है, पूरा आधा घंटा हो गया। ये देखें, बीच बीच में मैं चेक करती रही हूँ कढ़ी को कि अगर लग ना जाए। ये देखें, मुझे इतनी इतनी घनी चाहिए कढ़ी। हमारी कढ़ी बन चुकी है, अब मुझे नमक चेक करना है। नमक थोड़ा है हमारा, आधा टीस्पून नमक और।
थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डालें, इसकी बड़ी अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है। थोड़ा सा धनिया, जस्ट धनिया की स्मेल खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। और हमें चाहिए 25 ग्राम बटर, इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे इस कड़ी को। फ्लेम हम बंद करते हैं और तड़का तैयार करते हैं। अब हम तड़के के लिए 1/4 कप जैतून का तेल, तेल ज़रा गर्म हो जाए तो हम आधी प्याज जो हमने कड़ी में डाली थी और आधी प्याज मैंने बचा कर रखी थी तड़के के लिए, वो डालेंगे तेल गर्म होने पर। बिस्मिल्लाह, बारीक कटी हुई है, तीन जवे लहसुन के जो मैंने बचा कर रखे थे जो हंडिया में डाले थे उसमें से बचा कर रखे थे, ये डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा मैं पहले नहीं डालती क्योंकि जीरा जल जाता है। इसे हमें हल्का सुनहरी कर लेना। पिंच हींग, हींग वेरी इम्पोर्टेंट होती है, आप माश की दाल में डालें, कड़ी में डालें, इसके फ्लेवर बहुत अच्छे होते हैं। जब ज़्यादा ना डालें क्योंकि फिर उसकी टेस्ट ख़राब हो जाती है। यह तड़का बन गया, अब मैं कड़ी में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डालकर ढक दे थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं तड़का मुझे लगाए हुए। बिस्मिल्लाह, ये देखें इतनी आपको थिक चाहिए थी। इसमें से जो हरी मिर्चें हैं वो आप निकाल दें, अब आपको ज़रूरत नहीं है हरी मिर्चों की। नाज़रीन, मैंने पकोड़े बनाए हैं, मैंने पहले पकोड़े बनाए थे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये मैंने इसमें पालक नहीं डाली है, बाकी सब चीज़ें डाली हैं इसमें। पकौड़े जब आप बनाते हैं डायरेक्टली आप कड़ी में ना डालें, अगर आप कड़ी में डाल देंगे डायरेक्टली और आपकी अगर कड़ी बच गई तो दूसरे दिन बिल्कुल पकौड़े जो है कड़ी चूस लेंगे, कड़ी का पानी सब चूस लेंगे। इसलिए जितना आपने सर्व करना उतने आप डालें डिश में, सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त कड़ी बनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी भी ट्राई करेंगे और अपनी फैमिली से शेयर करेंगे। अगर शेयर करेंगे और अगर लाइक करें, एंजॉय करें तो सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाह, मैं आज पराठों से सर्व करूँगी, आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, जो जैसे आपकी मर्ज़ी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।